बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी MDCAT वोकैब। देखिए हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी, अगर आपको याद हो हमने कहा हमारा जो MDCAT का सिलेबस है, MDCAT का सिलेबस हमारा बेटे दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हमारे पास है ग्रामर पार्ट, ग्रामर के दो क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हम कर रहे हैं। एक हमारे पास है स्पॉट द एरर और सेकेंड हमारे पास कौन सा है, सेकेंड हमारे पास है अल्टरनेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और इसके लिए हमने इन दो क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस करना होता है वो हमारे पास कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हमारे पास टेंसेज हैं और कुछ जनरल रूल्स हैं हमारे पास। और खास तौर पे जिस पे हमने खास तौर पे कोशिश करनी है, खास तौर पे हमने काम करना है, वो हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। और प्रेपोजिशंस में भी हमारे पास कौन सी खास तौर पे प्रेपोजिशन है, जो हमारी टेक्स्ट बुक की है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की हम प्रेपोजिशन को करेंगे, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर की प्रेपोजिशन को पे हम जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, सेंटेंस बाय सेंटेंस जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही है कि सर हम टेक्स्ट बुक कब स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी बोला अपने लेक्चर में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटे, नाउन्स हमने कर लिया, प्रोनाउन्स हमने कर लिया, उसके बाद एडजेक्टिव हमने कर लिया, आर्टिकल हमने कर लिया, वर्ब कंप्लीट करने के बाद हम बुक पे जाएंगे, ताकि मेजर जो पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन पे हम काम कर सकें साथ में प्रेपोजिशन के। उसके बाद देखें, ये तो है हमारा ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ग्रामर पोर्शन पे तो हम ऑलरेडी काम कर चुके कर रहे हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेटे हमारे पास है वोकैब, MDCAT वोकैब, ठीक है। अब MDCAT वोकैब का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा, जो रिपीटर स्टूडेंट है, इंप्रूवर स्टूडेंट्स है, उनको तो इस बात का खासा अच्छे से मालूम है, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेटे, 2019 से पहले UHS क्या करता था, UHS ने 843 वर्ड्स की एक लिस्ट दी हुई थी और बकायदा तौर पर लिखा हुआ था कि आपके पास दो क्वेश्चन होंगे, एक आपके पास कौन सा क्वेश्चन होगा, सेंटेंस कंप्लीशन का, फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में आता है ये क्वेश्चन, और एक आपके पास कौन सा सिनोनिम्स का, जिसमें से आपने सिनोनिम को चूज करना था। बड़ा क्लियर जो सिलेबस था वो 2019 से पहले इंग्लिश का था, ठीक है। 843 वर्ड्स की लिस्ट थी, उसके बाद UHS ने बकायदा तौर पर ये लिखा था कि इसी में से सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे, इसी में से सिनोनिम्स आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब ट्विस्ट ये हुआ कि 2019 पे क्या हुआ, 2019 में MDCAT के जो 843 वर्ड्स थे उनको कम करके UHS के वर्ड्स को कितना कर दिया गया, 210। अब आप लोगों के पास जो वोकैब है अभी तक की, वो आपके पास कितनी है, 210 वर्ड्स है सिर्फ। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि UHS ने बात को क्लियर नहीं किया, थोड़ा सा एम्बिगुअस था, और उसमें उसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, UHS ने इंग्लिश का सिलेबस कुछ यूं दिया, और इंग्लिश के सिलेबस में जो वोकैब का पार्ट था उसको यूं एक्सप्लेन किया। फर्स्ट कॉलम में उसने UHS ने लिखा ऑब्जेक्टिव था कंप्रीहेंड की वोकैबुलरी, ये बात हमें समझ में आती है। बेंचमार्क में जो लिखा है UHS ने वो थोड़ा सा एम्बिगुअस था। एम्बिगुअस कैसे था, देखिए इसमें इसने कुछ यूं लिखा है, यूज वन और टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ की वोकैब। अब यहां पे ये जो बेटे स्ट्रेटजीज का वर्ड है ना, ये स्ट्रेटजीज का वर्ड ये था कि UHS ने बच्चों को डायरेक्शन दी थी कि आपने ये टेक्निक्स यूज करके वोकैब को तैयार करना है। दीज वर नॉट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नहीं थे। आपको क्या करना है, बच्चों को क्या करना था, बच्चों को इन स्ट्रेटजीज को, इन टेक्निक्स को यूज करके वोकैब को तैयार करना था। अब उसके बाद UHS ने क्या कहा, UHS ने कहा जी आपको क्लूज और इलस्ट्रेशन को देखना है, बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज को देखना है, मॉर्फोलॉजी को देखना है, सेंटेक्स को देखना है, फोनिक्स को देखना है, नॉलेज ऑफ वर्ड्स को देखना है। उसके बाद सिनोनिम्स लिख दिए, एंटोनिम्स लिख दिए, होमोफोन्स लिख दिए, ये सारी चीजें वो थी जिनको यूज किया जाता है वोकैब को याद करने के लिए, ये क्वेश्चंस नहीं थे। इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, इसको मिस अंडरस्टूड किया गया, बहुत से इदारों ने बच्चों के साथ क्या किया, बच्चों को क्या कौन कौन से क्वेश्चन करवाए गए, बच्चों को सिनोनिम्स करवाए गए, बच्चों को एंटोनिम्स करवाए गए, बच्चों को होमोफोन्स करवाए गए, उसके बाद बच्चों को मॉर्फोलॉजी का टच दिया गया बहुत ज्यादा बिना जरूरत, कोई जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद
क्या हुआ, बच्चों को फजूल किस्म की इलिस्ट्रेशन तस्वीरों पे लेके जाया गया जी, आपको ये तस्वीरें देख के वोकैब याद करनी है। छोटे नर्सरी प्रेप के बच्चों की किताब में होता है बेटे के वर्ड के साथ तस्वीर दी होती है कि जब उनको एक पता नहीं होता कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो उनको तस्वीर दिखाई जा सके। इट्स नॉट अ मेच्योर थिंग, याद रखिएगा। बहरहाल बहुत सा बच्चों को मिसगाइड किया गया और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन क्या हुआ, UHS 2019 के पेपर में, एम कैट के 2019 के पेपर में UHS ने सिर्फ एक क्वेश्चन वो कैप का दिया, और वो जो एक क्वेश्चन था वो कौन सा था, सेंटेंस कंप्लीशन। वो आगे मैं आपको उसका पोर्शन भी दिखाता हूं कि पेपर में उन्होंने दिया कैसे था, ठीक है। अच्छा, अब इसके कंटेंट में उन्होंने क्या लिखा, कंटेंट्स में उन्होंने कुछ यूं लिखा कि आपको याद करने हैं हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रॉम द कोर्स बुक और टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट और टू द कॉन्टेक्स्ट HS SC एंड CAE स्टूडेंट में भी फेमिलियर विद। और इसके साथ उन्होंने 2-10 वर्ड्स दे दिए, ठीक है। अब 2-10 वर्ड्स, अभी यहाँ पे जो चीज चाहिए थी वो हमें ये थी कि आपको 2-10 वर्ड्स दिए हुए हैं। बड़ा सिंपल था कि बच्चों को क्या करवाया जाता, सेंटेंस कंप्लीशन करवाए जाते इन 2-10 वर्ड्स के लिए, और इन 2-10 वर्ड्स के लिए सिनोनिम्स करवाए जाते। वही दो क्वेश्चंस करवाए जाते जो 2019 से पहले एम कैट का पार्ट रहे हैं, एम टी कैट का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया, बच्चों को मैनिपुलेट किया गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया। और बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स मैं पर्सनली जानता हूं जो बहुत से इदारे और बड़े नाउन इदारों में पढ़े और सिर्फ इंग्लिश में वोकैब की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेशर इतना बिल्ड किया गया, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की गई, इतनी चीजों को बढ़ा दिया गया के छोड़ दें बस इस बात को। बहरहाल हम आते हैं, तीन बातें आपने याद रखनी है 2019 के लिए। 2019 तक हमारे पास 2-10 वर्ड्स हैं। 2019 तक जो दो क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं वो है सेंटेंस कंप्लीशन और सिनोनिम्स, ठीक है। कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, वो हम बाद में देखेंगे। देखें, UHS ने 2-10 वर्ड्स दिए, और बड़ी मजे की बात है इस 2-10 वर्ड्स की वकैब में से, इन 2-10 में से 150+ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप सब बच्चों को पहले से आते हैं। कोई नई वकैब नहीं है, कोई नए वर्ड नहीं है, 150+ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको आते हैं। एक बात जहन में रखें, फ्रेश स्टूडेंट खास तौर पर, रिपीटर और इंप्रूवर तो पहले इस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, फ्रेश स्टूडेंट बेटे खास तौर पर याद रखिएगा, वकैब को कभी भी मेमोराइज नहीं किया जाता, वकैब को कभी भी रट्टा नहीं मारा जाता, वकैब को क्या किया जाता है। देखिए, हम बहुत सारे वकैब वर्ड्स पढ़ के आ चुके होते हैं, आप हर क्लास में नए वर्ड ऐड करते हैं अपनी वकैब में, नए वर्ड सीखते हैं। अब भी जिस टाइम की जरूरत होती है कि आपको अपनी वकैब को इकट्ठा करना होता है, आप देखें अलग, हमारा माइंड कुछ यूं डिजाइन किया गया है, हमारे माइंड की दो मेमोरीज होती हैं। एक मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है, एक्टिव मेमोरी, और एक मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है, पैसिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी हमारी वो वोकैब होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हम फ्रीक्वेंटली रिपीट करते रहते हैं, जिनको हम यूज करते रहते हैं, वो वर्ड्स हमें कभी भी भूलते नहीं है। पैसिव मेमोरी वो थी, लाइक मैंने फिफ्थ क्लास में जो वर्ड याद किए थे उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा याद थे, लेकिन बाद में 7, 8, 9, 10 या आज की डेट में उन वर्ड्स को भूल गया। मैंने जो वोकैब 8 क्लास में याद की थी वो आज की डेट में मुझे याद नहीं है। मैंने क्या किया कि अपनी वोकैब को अपनी एक्टिव मेमोरी से उठा के कहां पर फेंक दिया है, पैसिव मेमोरी में फेंक दिया है। अब मुझे क्या करना है एमडी कैट के लिए, मुझे अपनी पैसिव मेमोरी से उस वोकैब को उठाना है और उसको कहां पर लेकर आना है, एक्टिव मेमोरी में लेकर आना है। जितने भी वर्ड आप 2-10 पढ़ेंगे वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, वो आपने अपने टेक्स्ट में पढ़े हैं, वो आपने मैट्रिक में पढ़े हैं, इंटर में पढ़े हैं, वो आपने अपनी 8th में पढ़े होंगे, 7th में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, सोशल मीडिया, कहीं पर भी आपने पढ़ा जरूर है और इस वर्ड को आप समझते जरूर है। जस्ट वर्ड्स को क्या करना है, इंटरलिंक करना है, चीजों को दूसरी चीजों के साथ जोड़ना है, रिलेशन को समझना है कि मैंने वर्ड्स के रिलेशन को कैसे बनाना है और वर्ड का रिलेशन बनता कैसे है और मुझे वर्ड्स को समअप कैसे करना है। कोई शायद 2-10 में से कोई 50 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं, 40 वर्ड ऐसे होंगे जो याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो वर्ड्स होंगे उनके जो सिनोनिम होंगे वो भी आपको आते होंगे। जस्ट आपको रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन याद रखिएगा। अभी जैसे देखें ए वाली लिस्ट में जो UHS के वर्ड्स आए, ठीक है, उनको देखिएगा, जरा देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड्स हैं ए की लिस्ट में। आप जरा देखिएगा
एब्रप्टली वर्ड आप अपने चैप्टर वन में पढ़ते हैं, अलास का वर्ड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंजाइटी का वर्ड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं मोस्ट कॉमन की बात कर रहा हूं, मैं उन ये मतलब ये मैं उन वर्ड को सर्कल कर रहा हूं या ब्लॉक कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट 110% बात है कि हर स्टूडेंट ने पढ़े हुए, हर स्टूडेंट उनको जानता है। जिन स्टूडेंट्स की वोकैब थोड़ी अच्छी है, जिन स्टूडेंट का वर्ड पार थोड़ा अच्छा है, वो तो इन सारे वर्ड्स को जानते होंगे, लेकिन मैं ये उन वर्ड्स की बात कर रहा हूं जो 110% है प्रोबेबिलिटी है कि हर बच्चा इन वर्ड्स को अच्छे से समझता है, जानता है। देखें, अटैच टू वर्ड आप पढ़ चुके, बार बार आपने पढ़ा, आप समझते हैं। अपरेंटली वर्ड को आप बार बार समझते हैं, अस्टाउंडेड के वर्ड को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखें, 9 वर्ड्स टोटल हैं और मैं मोस्ट कॉमन वर्ड्स की बात कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन वर्ड की। उसमें से 3 वर्ड सिर्फ ऐसे हैं, शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये वर्ड पढ़ा नहीं होगा या जिनका वर्ड पार अच्छा नहीं है, रीडिंग अच्छी नहीं है, तो वो इन वर्ड को नहीं जानते। 6 वर्ड्स को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, 9 वर्ड में से 6 वर्ड आपको पहले से आते हैं, इसी तरह आपकी बेटे सारी वोकैब चलेगी, ठीक है। अभी देखें, बून का वर्ड आप बड़े अच्छे से समझते हैं, बिविल्डरमेंट आप बड़े अच्छे से समझते हैं, ब्रिस्कली वर्ड, ये सारे वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में से है, बीड का वर्ड आप समझते हैं, ब्रिमिंग शायद हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको ना समझता हो, अदरवाइज बायो और केमिस्ट्री में वर्ड यूज होते हैं, बैफलिंग आप बड़े अच्छे से समझते हैं, बैशफुल शाय को टिमिड को बोलते हैं, आपने मिस्टर चिप्स में पढ़ा होगा, बैकेंड हम पॉइंट आउट करने को बोलते हैं, ये वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड में से 7 वर्ड जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से आप उनको समझते हैं, जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और इनके जो सिनोनिम्स आपने देखने हैं वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, उनका भी आपने सिर्फ रिलेशन बनाना, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। देखिए, बाकी सी की लिस्ट में बहुत सारे वर्ड, क्राइटेरिया को आप जानते हैं, कंपेल्ड को आप जानते हैं, कंडेंस को आप जानते हैं, कैप्टिवेट को आप जानते हैं, क्वेश्चन को आप जानते हैं, कंफर्म को आप जानते हैं, क्रैम को आप जानते हैं, कंफाइनिंग को आप जानते हैं, कैजुअल को आप जानते हैं, क्यूरियस को आप जानते हैं, कम्प्रीहेंशन, कोक्स, क्रूडली, कंपेल्ड, कन्फ्रंट, क्रूडली अगेन रिपीट हुआ, कोलाइडेड, कपेशियस, क्रीडेंशियल, आल, कोविट का वर्ड शायद हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं हो, लेकिन बस बड़ा आसान सा होता है, हिडन सीक्रेट को बोलते हैं। अब देखिए, सी लिस्ट में, सी वाली लिस्ट में, सी अल्फाबेट की लिस्ट में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आप समझते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनको जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, कोई प्रेशर नहीं है हमें वोकैब का, वोकैब की कोई परेशानी नहीं हमें याद रखिएगा। आसान तरीन पार्ट जो इंग्लिश के सिलेबस में होने वाला है वो आपके पास वोकैब होने वाला है। यहां पर हमें सख्त मेहनत करके, परेशानी लेके, परेशान होके, कंफ्यूज होके इसको करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट खेलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्रैमिंग और रट्टा नहीं इन्वॉल्व होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे आपको चीजों को क्या करना है, आपको चीजों को अरेंज करना है। अरे मतलब पहले क्या होता है, हमारे माइंड में चीजें घुली मिली होती हैं, मिक्सअप हुई होती हैं, तो हमें उन चीजों को, अपनी वोकैब को, जो वोकैब आगे पीछे हुई थी उस वोकैब को हमें क्या करना होगा, अरेंज करना है। बस आपको अपनी वोकैब को अरेंज करना है, इंटरलिंक करना है, और अपनी पैसिव वोकैब को निकालकर कहां पर लाना है, एक्टिव वोकैब में लाना है, अदरवाइज हम कुछ भी नया याद नहीं करने वाले। हार्डली 210 वर्ड में से कोई 30-40 वर्ड ऐसे होंगे जो आप याद करेंगे, अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में परेशानी होने की या घबराने की जरूरत है। अब देखें, डी वाले देखिएगा, मतलब डी में कुछ वर्ड्स हैं, ई में वर्ड है, एफ में वर्ड है, इसी तरह सारे वर्ड चलते हैं, और ये 210 वर्ड आपके पास यूएचएस हमें देता है याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये 2019 का पेपर है वोकैब पार्ट, इसमें हमारे पास सिनोनिम्स आए नहीं, इंटोनिम्स आए नहीं, होमोफोन्स आए नहीं, मॉर्फोलॉजी जिसका क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता था, मैम इदारों ने फजूल किस्म की बोंगियां मारी बच्चों को परेशान करने के लिए। देखें, वोकैब 2019 में वोकैब में से सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पास आया और वो है सेंटेंस कंप्लीशन का, इवन सिनोनिम भी यूएचएस ने नहीं दिए। और अगर आप वोकैब पार्ट को पढ़ेंगे तो इंतहाई आसान सेंटेंसेस है, मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा, मैं ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं ऑप्शन की अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूं, आपको सेंटेंस पढ़ने हैं और सेंटेंस में से ये देखना है कि इनमें से कितने सेंटेंस है जो आपको समझ नहीं आते हैं, या कितने सेंटेंस है कोई ऐसा सेंटेंस निकल आता है जिसकी ट्रांसलेशन आप कर ही नहीं पाते। पहला सेंटेंस देखिएगा, 181 क्वेश्चन था यूएचएस 2019 में, द एक्सीडेंट हैपन्ड ड्यू टू द ड्राइवर्स डैश।
यहां तक सेंटेंस समझ में आता है, आगे वर्ड क्या आना है वो बाद की बात है, सेंटेंस हमें समझ में आता है। कोई एक ऐसा वर्ड भी नहीं है जो मुश्किल है, जिसके लिए मुझे बड़े कोई रूल तलाश करने हैं, मुझे कोई बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज तीर मारना है, या मुझे बड़ी कोई रट्टाबाजी बानी है, बड़ा कोई लॉजिक देना है, या बड़ी कोई तस्वीरें याद करनी है, कुछ भी नहीं है। 182 क्वेश्चन देखिएगा, दे समटाइम फील आर डैश फॉर द माउंटेन एंड द सी, ठीक है, सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है। आई डैश क्वेश्चन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट, शायद इंटरप्रेटिंग का वर्ड शायद कोई 1% से भी कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंटरप्रेटिंग का वर्ड नहीं समझते होंगे। शी वाज फीलिंग डैश इवन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ दी सर्जरी, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समझ में नहीं आती है। द न्यू टीचर शोड नो डैश अबाउट हिटिंग द स्टूडेंट, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समझ नहीं आती है। द पेरेंट्स वर स्टर्नड व्हेन दे सॉ दैट चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड कंप्लीट डैश इन द बेडरूम, कोई ऐसा एक वर्ड भी नहीं है जो हमें समझ में नहीं आता, कोई ऐसी एक पॉइंट नहीं है जो हमें समझ नहीं आता है। द कल्पेबल चाइल्ड, शायद ये वर्ड होगा जो आप स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। डैश सम वर्ड टू हर मदर फॉर पार्डनिंग द डेलिक्वेंसी, अब एक सेंटेंस ऐसा जिसमें तीन वर्ड ऐसा है जो हमें समझ नहीं आते, अदरवाइज 7-8 सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें समझ नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है, और इंतहाई आसान वकैब होती है। मैं ये सारी बात करने का मकसद बेटे ये याद रखिएगा, वकैब मुश्किल हिस्सा नहीं है, इसको मुश्किल बनाया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान तरीन है, आपको स्मार्ट खेलना है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट खेलना है, आपको वर्क हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, इंतहाई आसान है। UHS 2019 का पेपर पोर्शन आपके सामने, सिनोनिम्स नहीं दिए गए, एंटोनिम्स नहीं दिए गए, होमोफोन्स नहीं आए थे, मॉर्फोलॉजी इलस्ट्रेशन ब्ला 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 कुछ भी नहीं था, सिर्फ 7 क्वेश्चन थे आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन के, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे लेके चलेंगे, या इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपको ग्रिप की बुक मिलेगी वो कैब की, उसको हम कैसे लेके चलेंगे। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे से हट के लिखूं, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि इसको ऐसे लिखा जाए कि बच्चा इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ सके, और इतना प्रैक्टिस मटेरियल हो उसके पास, इतना कुछ हो उसके पास कि वो खुद इंडिपेंडेंट पढ़ सके और कोई ज्यादा परेशानी करने की जरूरत ना हो। देखें UHS के सिलेबस में 2 वर्ड उसने बड़े UHS ने बड़े अच्छे लिखे, एक उन्होंने लिखा जी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड और एक है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। अभी तक की मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल हैं बड़ी कलरफुल नजर आएंगी आपको, बड़ी कलरफुल पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये खूबसूरत कलरफुल पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये खूबसूरत खूबसूरत टाइटल बनाए हुए हैं, लेकिन जब कंटेंट की बात की जाती है, बिल्कुल मैं अगले दिन किसी इदारे की बुक देख रहा था, एडवर्टीजमेंट देख रहा था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा टाइटल दिया हुआ था, द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक ऑफ UHS वोकैब, बिल्कुल वो मोस्ट ब्यूटीफुल बुक है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप अच्छी प्रिंटिंग करवाते हैं, कलरफुल प्रिंटिंग करवाते हैं, अच्छा डिजाइन बनवाते हैं, अच्छे कलर सेलेक्ट करते हैं, तो वो ब्यूटीफुल तो है, लेकिन भाई अब हमें MD कैट के लिए ब्यूटीफुल बुक नहीं चाहिए, हमें इफेक्टिव बुक चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वहां से कलर नहीं पूछे जाएंगे कि आपने कौन से कलर की बुक से पढ़ा था, हमें वहां पे कंटेंट पूछा जाएगा, कंटेंट नहीं है उन बुक्स में। अभी देखिए मार्केट में कोई एक ऐसी बुक आप नहीं निकाल सकते जिसमें UHS के पेपर में जो 2 चीजें मेंशन की हुई थी उनको बताया गया, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या होते हैं, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, जो ज्यादा यूज किए जाते हैं, और जिनका यूज थोड़ा कम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। अब वर्ड है हमारे पास अपालिंग, वर्ड हमारे पास अपालिंग, आप बुक्स देखेंगे वर्ड अपालिंग लिखा हुआ है, ना आगे की बात ना पीछे की बात, आगे 50 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, ना कोई एक्सप्लेनेशन ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस 50-60 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं यार ये किताब तो बड़ी कमाल की है, इसमें तो 100 सिनोनिम लिखा हुआ है एक वर्ड का, यार ये किताब बड़ी कमाल की है, इसमें तो 50-50 सिनोनिम लिखे हुए हैं, इसमें वेबस्टर के लिखे हुए हैं, इसमें ऑक्सफोर्ड के लिखे हुए हैं, इसमें ये लिखे हुए हैं। देखिए बेटे ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास आपको याद करनी है हाई फ्रीक्वेंसी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी में आएंगे। अब देखिए हमारी बुक कुछ यूं अरेंज होगी या हमारे नोट्स कुछ यूं अरेंज होंगे जो आपको LMS पे भी दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखिए ये जो ब्लॉक में वर्ड्स आएंगे
ये आपके पास कौन से होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब यह है कि जब भी आप अपालिंग का वर्ड सोचेंगे तो उसके साथ सात आठ वर्ड जो आपके ध्यान में आने चाहिए वो ये यार ये वर्ड होंगे। बड़े अच्छे तरीके से आपने इन वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से याद करना। अगर आप 2019 में देखेंगे सिनोनिम्स तो हमारे पास आए नहीं है, सेंटेंस कंप्लीशन सिर्फ आया, और सेंटेंस कंप्लीशन में इसी वोकैब को ऑप्शन के तौर पर यूज किया जाता है, सिनोनिम को नहीं यूज किया जाता, एक्चुअल वर्ड को यूज किया जाता है और वो इंतहा आसान होता है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, समझने में आसानी होती है कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतबार से क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, व्हाट इज एक्चुअली इट इज। उसके बाद आपको मीनिंग वेरिएंट मिलते हैं। मीनिंग वेरिएंट का मतलब क्या होता है कि अपालिंग का एक मीनिंग ये भी होता है और अपालिंग का एक मीनिंग ये भी होता है, इस मीनिंग के इसके सिनोनिम ये होते हैं और इस मीनिंग में इसके सिनोनिम ये होते हैं, और मोस्टली सिनोनिम क्या होंगे, सेम होंगे। इतने ज्यादा सिनोनिम मैं याद करना कभी रेकमेंड नहीं करता, और कितने भी वर्ड होंगे ये सारे आप जानते होंगे। लाइक देखें, मैं अगर इस वर्ड सेकंड लिस्ट सेकंड वर्ड में पढ़ता हूँ कि अपालिंग का एक मीनिंग हमारे पास वेरी बैड ऑफुल होता है, इसके मीनिंग देखिए, इसके सिनोनिम जो लिखे हुए वो देखिएगा। ड्रेडफुल का वर्ड आप जानते हैं, वेरी बैड का वर्ड आप जानते हैं, ऑफुल का वर्ड आप जानते हैं, टेरिबल आप समझते हैं, फ्राइटफुल आप समझते हैं, एट्रोशियस आप समझते हैं, डिसग्रेसफुल आप समझते हैं, डिप्लोरेबल शायद कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, शेमफुल आप समझते हैं, होपलेस आप समझते हैं, लिमेंटेबल आप समझते हैं, लॉफेबल आप समझते हैं, सबस्टैंडर्ड आप समझते हैं, पुअर आप समझते हैं, इनएडिक्वेट आप समझते हैं, इंफीरियर आप समझते हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री आप समझते हैं। इसमें से सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो आप शायद नहीं समझते, अदरवाइज 99.9% वो कैब ऐसी होगी जो आपको समझ आती होगी, जिसको आप जानते होंगे, जिसको आप समझते होंगे। आपको क्या करना है, वोकैब को बेटे याद नहीं करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमें अपनी वोकैब को अपनी एक्टिव मेमोरी में अरेंज करना है। हमें ये देखना है कि हम अपनी वोकैब को सिस्टमेटिकली एक हायरार्की पे कैसे लेकर चलेंगे। जितना ज्यादा आप अपना डाटा अरेंज अपने माइंड में रखेंगे उतना ज्यादा ये बेहतर होगा। ठीक हो गया, सबसे पहले आपके पास जो नोट्स आएंगे, आपके पास जो बुक्स आएंगी, जो हमारी एंट्री टेस्ट की जो बुक आएगी ग्रिप वोकैब की, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ हर वर्ड का एक ब्लॉक होगा। इसी तरह सबसे पहले यूएचएस का वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड मीनिंग उसके लिखे हुए हैं, उसके बाद उसके वेरियंट लिखे हुए, वेरियंट के आगे लो फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखे हुए हैं सारे। ठीक हो गया, उसके बाद एक ब्लॉक आप नीचे देखेंगे, उस ब्लॉक में आपको तीन सेंटेंसेस मिलेंगे, और ये तीन सेंटेंसेस क्या होंगे, इस वर्ड के मीनिंग के, इस वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाया गया होगा। देखिए 2019 में सेंटेंस कंप्लीशन आया है, सिनोनिम नहीं आया, तो इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, सिनोनिम से। ठीक हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें वर्ड को सेंटेंस में यूज करके भी देखना है। ऐसा नहीं है कि वर्ड पढ़ा सिनोनिम पढ़ लिया तो बात खत्म होगी, हमें वर्ड का सेंटेंस में यूजेज भी आना चाहिए कि इस वर्ड को हमने सेंटेंस में यूज कैसे करना है। ठीक हो गया, तो इसके लिए तीन सेंटेंसेस हर वर्ड के एंड पे आपको मिलेंगे, वो तीन सेंटेंस आपने अच्छे से पढ़ने हैं, याद बिल्कुल भी नहीं करने। पढ़ने का मकसद ये होगा कि आपको समझ आएगी कि ये सेंटेंस इस तरह यूज होता है, रट्टा मारने की इसमें कोई भी जरूरत किसी भी तरह की नहीं है। उसके बाद देखें, इसी तरह आपकी वो कैब चलती रहेगी। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके सिनोनिम बहुत ज्यादा बहुत थोड़े होंगे, जिनके वेरिएंट कम होते हैं, उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको वर्ड मिलेगा, उसके हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड मिलेंगे, उसके बाद उसका वेरिएंट मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड मिलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली क्या वो बताया गया होगा, और तीन सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर दिए होंगे जो कि आपने वर्ड को सेंटेंस में यूज करने के लिए पढ़ने हैं, समझने हैं। और मैं बड़े फखर से ये बात कर सकता हूं कि ये ग्रिप इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है। शायद मुझे एक या दो बुक्स ऐसी नजर आती हैं मार्केट में जिनमें वर्ड के साथ उनके सेंटेंस यूज करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस वाली तो बाद में हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन यूज में करने के लिए आपके पास दो तीन सेंटेंस आपको आने चाहिए। मैंने एक बुक मैंने देखी थी जिसमें टेक्स्ट में जो जो वर्ड यूज किए हैं वो लिखे हुए, वो भी एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें टेक्स्ट के सेंटेंसेस को रट्टा मारने की या याद करने की रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें वर्ड को समझना है और सेंटेंस में उसका मीनिंग समझना, कि सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे अलास्का का वर्ड है, जैसे अभी उसकी मीनिंग देखिएगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, अनफॉर्चुनेटली वर्ड आप समझते हैं, सैडली आप समझते हैं, रिग्रेटेबली आप समझते हैं, अनहैप्पीली आप समझते हैं, अनलकीली आप समझते हैं, कोई एक ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आप समझते नहीं है। जस्ट इस वोकैबुलरी को आपने अपने माइंड में
क्या करना है, अरेंज करना है इस वर्ड के लिए, कुछ और नहीं करना, याद कुछ नहीं करने वाले हैं। मतलब अब मैं बोलूं जी अनफॉर्चुनेटली वर्ड याद करना है मैंने, तो भाई याद नहीं मैंने करना, मुझे पहले से आता है अनफॉर्चुनेटली वर्ड, मुझे सैडली वर्ड पहले से आता है, मुझे रिग्रेटेबली पहले से आता है, मुझे अनहैप्पीली वर्ड आता है, मुझे अनलकीली वर्ड आता है। जस्ट मैंने आप क्या किया है, अपने माइंड में एक बॉक्स बना लिया है, अपने माइंड में बॉक्स किसके नाम का बना लिया है, अलास के नाम का, कि जैसे ही अलास का वर्ड मेरी आंखों के सामने आएगा और ये बॉक्स खुलेगा और ये मुझे बताएगा कि इसके ये वाले क्या होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड होते हैं और उसके ये वाले क्या होते हैं लो फ्रीक्वेंसी वर्ड होते हैं, और ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ, ये वर्ड नहीं है, एक्सक्लेमेशन है। ठीक हो गया, मुझे अपनी वकैब को अरेंज करना है, ये एक बॉक्स बनाना है मुझे अपने माइंड में कि जब मैं अलास का वर्ड बोलूं तो यही वर्ड जो है वो ये जो ब्लॉक है ये पूरा ब्लॉक इस तरह का ये पूरा टेबल पॉप आउट होके मेरी आंखों के सामने आए। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके वेरिएंट कुछ ज्यादा होंगे, बहुत थोड़े वर्ड हैं, 12-15 वर्ड इस तरह के होंगे, जैसे बैशफुल है, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, नाउन के तौर पर भी यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है। वर्ब में इसके 3 वेरिएंट होते हैं, नाउन में 2 वेरिएंट होते हैं और एडजेक्टिव में 1 वेरिएंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसके जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है वो लिखे हुए हैं, हर एक के लो फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखे हुए हैं, और सारे वर्ड आप जानते होंगे, इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा, शायद कोई एक आधा वर्ड ऐसा मिल जाए आपको जो नहीं पता, वो नया एडिशन होगा, बाकी आपको अपनी वोकैब को अरेंज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद कुछ नहीं करना, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है वोकैब से रिलेटेड, इस तरह हमारी बुक अरेंज होगी। लेकिन हमारी बुक अरेंज होने के साथ साथ मैंने क्या किया है, मैंने अपनी बुक में UHS वोकैब को 4 सेट में डिवाइड किया है। 4 सेट में कैसे डिवाइड किया, पहला सेट हमारे पास क्या है, A to D अल्फाबेटिकली मैंने इसको अरेंज किया है, दूसरा E to K, तीसरा L to P, उसके बाद Q to V। अरेंजमेंट कुछ यूं बनेगी आपके पास के लाइक आपने क्या किया, सबसे पहले A का वर्ड देखा, ठीक है, उसके बाद A to D आपने पढ़ लिया, A to D तक के इसी तरह ही ब्लॉक होंगे, हर वर्ड का एक ब्लॉक होगा, हर वर्ड का एक टेबल होगा, उसमें उसके हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखे हुए हैं, वेरिएंट लिखे हुए हैं, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जब आप डी तक आ जाएंगे आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपके नोट्स में आपके बुक्स में क्या दिए होंगे, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे आपके पास, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के, और 50 किसके होंगे आपके पास, सिनोनिम्स के। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर रहे, हम एंटोनिम होमोफोन ब्ला ब्ला पर नहीं जा रहे, हाँ ग्रामर के लिए हम थोड़े से होमोफोन जरूर याद करेंगे जो नाउन वर्ब में सेम होते हैं, अदरवाइज वोकैब के लिए हम किसी तरह का कोई होमोफोन एंटोनिम याद नहीं कर रहे, हमें फजूल में अपना टाइम और फजूल में अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी, हमें फोकस्ड और टारगेटेड स्टडी करनी है। तो जैसे ही आपका सेट कंप्लीट होगा एक, तो उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन किसके होंगे, 50 सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे और 50 सिनोनिम के होंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट चलेगा सेकंड सेट के बाद भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 सेंटेंस कंप्लीशन, 50 सिनोनिम, इसी तरह 50-50 पे चलेंगे। लेकिन इसके साथ आपके 4 आपको क्वेश्चन बैंक में भी क्विजमैनिया में भी मिलेंगे और आपके टेस्ट भी होंगे। लाइक वो कैब का जो आपका पहला टेस्ट होगा A to D में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन ही आपके पास टेस्ट में होंगे। ठीक है, टेस्ट में कितने होंगे, 100 क्वेश्चन, और उसके बाद इस सेट का जो क्विज मैनी होगा उसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। तो एक सेट के लिए जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं टेस्ट सेशन से पहले की, टेस्ट सेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा, वो मैं क्वेश्चन शामिल नहीं कर रहा, एक सेट के 100 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की किसमें, बुक में, ठीक है, 100 क्वेश्चन की, फिर आपने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है किसमें, क्विज मैनिया में, ठीक है, और फिर आपने किसमें करनी है, इसके टेस्ट में। अब जब आप टोटल करेंगे तो कितने वर्ड बनते हैं आपके पास, 300 वर्ड। इसमें मैं टेस्ट सेशन के क्वेश्चन शामिल नहीं कर रहा जो हमारे लास्ट में होने वाले हैं। तो 4 टेस्ट हैं, तो आप 4 सेट हैं आपके पास, तो बेटे 1200 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी, किसकी, वोकैब की, किससे पहले, आपके टेस्ट सेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूं, टेस्ट सेशन के क्वेश्चन मैं शामिल इसमें नहीं कर रहा। इसमें से जो 400 क्वेश्चन होंगे वो आपकी बुक का हिस्सा होंगे गॉल्बन,
इसको मैं डबल करूंगा इंशाल्लाह ताला, एलएमएस में हम आपको 400 देंगे, लेकिन बुक में ये 800 होंगे, ठीक है, बुक में 400 नहीं होंगे, बुक में 800 होंगे, प्रिंटिंग में हम आपको ज्यादा देंगे, एलएमएस में हम आपको 50-50 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे क्विज मैनिया में भी और बुक के साथ भी, ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसको लेकर लेकर के चलेंगे।